ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंडली के 12 भावों के बारे में, तो उसी सीरीज में हम आगे चलते हैं। तो देखिए, 12 भावों में लगन इस पहला, तनु भाव दिस इज धन भाव, तन धन सहज भाव, और चौथा भाव होता है सुख भाव। जो सुख भाव होता है ना, इसमें हमने देखना होता है कि आपको सुख दुख का जो, इवन मदर का जो घर है, माता जी का घर है, वो भी आपकी मदर जो यहाँ से देखते हैं, हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। एज फार एज बॉडी पार्ट्स आर कंसर्न, तो बॉडी के लिए हम क्या करते हैं, फोर्थ हाउस से देखते हैं, चेस्ट सीना छाती, क्योंकि इस पार्ट में हमारे हार्ट भी रहता है, लंग्स भी रहते हैं। तो छाती देखें, चौड़ा सीना है, छोटा है, वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। इस भाव से सुख दुख का, माता का, स्थाई संपत्ति का, मदर की जो प्रॉपर्टी है, फादर की जो प्रॉपर्टी है, हमारी चल अचल प्रॉपर्टी है, जो अचल प्रॉपर्टी होती है, स्टेबल घर हो गया, दुकान हो गई, जो प्रॉपर्टी जो है वो इमूवेबल नहीं है, वो फोर्थ हाउस से देखते हैं। दूसरे घर से हमने क्या देखा था, जो आपका कैश आपके पास बैंक में पड़ा है, या आप जो पैसा अर्जित कर रहे हो, कमा रहे हो, द्रव्य, ये जो है ये है प्रॉपर्टी, अचल और अचल। इसके अलावा घर, घर जो है आपको आएगा तो वो एक स्टेबल है, वो मूवमेंट नहीं करता। घर के अलावा खेत खलिहान, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी रहती है, प्लॉट है, खेत है, बाग बगीचे, घर, फ्लैट, जितना भी ये चीज आएगा फोर्थ हाउस में देखते हैं। जब भी हमारे पास कोई आदमी क्वेश्चन लेके आता है कि मेरा घर कब बनेगा, तो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। मेरी घर कब बिकेगा, तो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। किराए का मकान है, मेरे को घर में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो कब करेंगे, हम फिर फोर्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है, गाड़ी कब लूंगा, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। व्हीकल्स, किसी तरह का भी, स्कूटर, कार, बाइक, बड़ी गाड़ी, बस, ट्रक, जो भी व्हीकल्स हम लेंगे वो फोर्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं आपकी मिडिल एजुकेशन। मिडिल एजुकेशन मतलब ये तो हमने पढ़ा था, जब बच्चा मदर टंग, पहले से लेके 5वीं तक का जो बच्चा पढ़ता है वो घर में ही सीखता है, जो भी सीखता है। अब वो स्कूल में चला गया तो फिफ्थ से लेके 10th या 12th तक जो पढ़ाई होती है उसको हम मिडिल एजुकेशन बोलते हैं। ये जो बच्चा है उसको फोर्थ हाउस से देखते हैं कि कितना पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा, खराब पढ़ेगा। बहुत क्वेश्चन आते हैं लोगों के कि मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत वीक है, स्कूल में पढ़ता नहीं है, या उसको समझ में नहीं आता है। तो ये हम मिडिल एजुकेशन जो देखते हैं वो भी चतुर्थ भाव से देखते हैं। फिर नॉलेज कितनी है आदमी, फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि मदर की सेहत कैसी है, मदर की पर्सनैलिटी कैसी है, आपको माता का सुख कितना है, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। सो आप नोट कर सकते हैं, इस भाव से सुख दुख का, माता का, स्थायी संपत्ति का, जमीन जायदाद का, भूमि का, सवारी सुख, चौपाए, चार जानवर, जैसे चार पुराने लोग रखते थे, हाथी घोड़ा, अभी हम लोगों के पास है गाड़ियां, चौपाए, चार पहिए वाले जो भी व्हीकल्स हैं। इसके अलावा ग्रह, घर, खेत खलिहान, नदी, बाग बगीचा, इवन छाती, पेट, अपर जो बॉडी का पार्ट है, अपर स्टमक जो है, हम इसे देखते हैं। आज इसके बीमारी जो, अगर कोई पेट के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी फोर्थ हाउस है। और मैरिड लाइफ में आदमी को कितना सुख मिलेगा, देखो सब कुछ होता है घर में, गाड़ी है, घर है, पैसा है, उसके बाद भी कई बार लोग सुखी नहीं होते, तो वो भी घर का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सारा इसी जगह से हम देखते हैं, चतुर्थ भाव से। तो ये चौथा घर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, हमने उस दिन बात किया था, 1, 4, 7 और 10, ये जो चार घर होते हैं ना, ये सुख स्थान भी हैं,
ये केंद्र स्थान भी है। तो आदमी के पास पहली हेल्थ ठीक हो, दूसरा उसके पास माता का सुख है या घर के सारे कंफर्ट्स हैं, तो ये दोनों घर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आता है फिफ्थ हाउस, जो पंचम भाव होता है। पंचम भाव से हम क्या करते हैं, आदमी का पिछला जन्म भी देखते हैं। उन्होंने बात की यहां से एक नंबर लगन से, अभी प्रेजेंट क्या है लगन से, और पंचम भाव से पिछला जन्म, और नवम भाव से अगला जन्म। दिस इज पास्ट बर्थ, दिस इज फ्यूचर बर्थ, और ये प्रेजेंट है। तीनों को मिला के ही बनेगा ना, भूत भविष्य और वर्तमान, वर्तमान भूत और भविष्य तीनों को मिला के ही चलेगा ना। हमारे जो पिछले जन्मों के कर्म है वो पंचम भाव से पता लगेंगे, हमने पिछले जन्म में क्या बीजा था वही हम काटेंगे अब। तो पंचम भाव से एक तो देखते हैं हायर एजुकेशन, प्लस टू के बाद जो भी पढ़ाई होती है हम पंचम भाव से देखते। लोग क्वेश्चन पूछने आते हैं कि मेरा बच्चा विदेश जाएगा, इंडिया में पढ़ेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, 10th के बाद से इसको कौन सा फील्ड लेके दें, मेडिकल लें, नॉन मेडिकल लें, आर्ट्स लें, साइंस लें या कॉमर्स लें, सारा यही पूछने आते हैं प्लस टू के बाद। ये फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं, पंचम भाव से आप देख सकते हैं बुद्धि, बंदे की नॉलेज कितनी है, बुद्धि, नीति, पॉलिसीज क्या बनाता है, दिमाग कितना काम करता है, हायर एजुकेशन। इसके अलावा हम देखते हैं बच्चे, जो हमें क्वेश्चन लेके आता है आदमी, उसका पंचम भाव से उसके बच्चों का भी विचार किया जाता है, प्रोजनी, गर्भ, संतान का सुख, फिर शास्त्रों की कितनी नॉलेज है, शास्त्र ज्ञाता, मंत्र सिद्धि, विचार शक्ति, इवन यश अपयश, इसको इज्जत मिलेगी बाजार में कि नहीं मिलेगी, यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, पूर्व जन्म की स्थिति, पिछले जन्म में क्या था। ये यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, अगर बृहस्पति बैठा हो तो हम कहते हैं कि पिछले जन्म में ये साधु महात्मा से आया है, अगर शनि बैठा हो तो हम कहते हैं ये नीच योनि से आया है, अगर राहु बैठा हो तो हम कहते हैं ये सर्प योनि से आया है, डिपेंडिंग अपॉन उसमें कौन सा प्लेनेट बैठा है और उसको कौन कौन देख रहा है। एक ही चीज नहीं होती है, उसके अलावा दो तीन चीजें और भी देखनी होती है कि नीचे राशि कौन सी है, उसको कौन से प्लेनेट देख रहे हैं, और वो उसके दोस्त हैं या दुश्मन हैं। लेकिन फिर भी इस भाव से हम जो स्टडी करते हैं, पूर्व जन्म की स्थिति, आध्यात्मिक रुचि, आदमी को कितनी पूजा पाठ में, अध्यात्म में कितनी रुचि है, और इसे हम लव अफेयर्स भी देखते हैं, प्रेम संबंध, इच्छा शक्ति, उसकी डिटर्मिनेशन कितनी है, फिर पेट भी देखते हैं, ये देखा था अपर एब्डोमन, पेट का ऊपर वाला हिस्सा, लेकिन पेट के नीचे भी एक हिस्सा जो है ये हो गया, दोनों के बीच में डायफ्राम रहता है, जैसे देखिए जो होता है ना नाभि, वो लोअर पार्ट है और ये अपर पार्ट है छाती, तो नाभि वाला पोर्शन जो यहाँ से हम देखते हैं, दिस इज लोअर एब्डोमेन। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कोई प्रॉफिट, धन लाभ होगा या नुकसान होगा, और आदमी में एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रबंधन करने की कितनी सीमा है या कितनी उसकी इच्छा है या उसकी कितनी शक्ति है, ये पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुंडली में। इंपॉर्टेंट तो सभी घर होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये घर है कर्मा ऑफ पास्ट बर्थ, फिर हम कहते हैं हायर एजुकेशन, ठीक है, फिर हम कहते हैं एप्टीट्यूड कितनी है आदमी की, टू इंटेलिजेंस कितनी है, पढ़ा उसका नॉलेज कितना है, इमोशंस, लव अफेयर्स, डिग्निटी, इज्जत मान, अपने अंदर में कितना एक आदमी की इच्छा शक्ति है, और ये प्रोफेशन में क्या करेगा। मान लो यहाँ पे कोई खराब प्लेनेट बैठा हुआ तो ब्रेक इन प्रोफेशन भी यहीं से देखते हैं, कई लोग प्लस टू के बाद कॉलेज में जाके फेल हो जाते हैं, प्लस टू में 90% और कॉलेज में जाके फेल हो जाते हैं, तो वो भी यहीं से पता लग जाता है। और मंत्र तंत्र की साधना जो करनी हो वो भी यहीं से देखते हैं, तो ये पंचम भाव जो है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा हम आगे जाके चर्चा करेंगे सभी भावों की,
आज के लिए इतना ही काफी है।